क्लास 8 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.3। आज हम सॉल्व करने वाले हैं वेरिएबल्स की पूरी प्रॉपर्टी को और साथ में आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, साथ में आपको जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वेरिएबल्स में आज हम पूरे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स आपका नहीं सेफ होगा। आप हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है आपको कि वेरिएबल में सर हम ये करते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है, वो करते हैं तो वो प्रॉब्लम होता है। आज ये वीडियो देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन में हम आपको एक एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वेरिएबल्स जब भी, जैसे हम, ये हमारे पास वेरिएबल है, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, श्योर है कि हम इसमें एक्स की ही वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन देखने में ही समझ में आ जाता है कि हम इसमें x की ही वैल्यू, अब भाई y की वैल्यू थोड़ी फाइंड करेंगे, x की ही करेंगे। और वन वेरिएबल का मीन्स श्योर है कि उसमें डिग्री कितनी होगी, वन। ये इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। वन वेरिएबल का मतलब उसकी डिग्री वन ही होगी, टू नहीं हो सकती। यानी x की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे बेस्ट ट्रिक के साथ। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो हम आपको एक बेस्ट ट्रिक दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके घर में वीवीआईपी पर्सन आए, ठीक है। ये वीवीआईपी पर्सन, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वही आपके वीवीआईपी पर्सन है। एक ये फर्स्ट है और एक ये सेकंड है। और ये इक्वल मतलब होता है कि ये अलग कमरे में बैठे हैं, ये अलग कमरे में बैठे हैं, और ये आपके आप गेस्ट, मतलब जो आप घर के पर्सन हैं वो ये हैं। अब श्योर है कि इन्हें आप डिनर कराना चाहते हैं या ब्रेकफास्ट कराना चाहते हैं या लंच कराना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो इन्हें आप एक ही जगह कराएंगे ना, अलग तो नहीं कराएंगे। तो इन्हें आप एक जगह ले जाइए, एक रूम में ले जाइए। आप सोच रहे हैं सर ये सब क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप यही प्रैक्टिकल आप समझिए ना, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ध्यान समझिएगा, उसके लिए भी हम रूल्स आपको बता देते हैं कि जब आप इक्वल के लेफ्ट साइड, अगर आप प्लस को ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस होता है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। माइनस को अगर आप इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो प्लस होगा। अगर इनटू को ट्रांसफ़र करते हैं तो डिवाइड में जाएगा, मतलब अपॉन के नीचे जाएगा। या अपॉन के नीचे कोई नंबर से वेरिएबल्स है उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो किस फॉर्म पे जाएगा, इनटू पे जाएगा। चलिए हम इसे प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं। अब श्योर है ये दोनों गेस्ट को आप एक ही रूम में खिलाएंगे ना, एक ही कमरे में खिलाएंगे। ये नहीं कि ये एक गेस्ट को यहाँ कर दिए, एक गेस्ट को वहाँ, तो नाराज़ हो जाएंगे कि मेरे को कौन सा खाना दे रहे हैं आप, उनको क्या खिला रहे हैं। तो थोड़ा सा उनके अंदर एक गिल्टी फील होगा ना, तो एक ही जगह खिलाएंगे। तो चलिए आप इन्हें एक ही कमरे में कर रहे हैं। तो ये तो साहब, अब आप सोच रहे हैं मैं इसी कमरे में ही खिलाऊँगा, तो ये आप क्या करेंगे। ये 2x जो एक और वीवीआईपी पर्सन है उनको भी इसी रूम में ले आएंगे, तो ले आइए। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा दो साइन आपको कभी नहीं दिखते। जब भी मैथ आप सॉल्व करेंगे दो साइन आपको कभी नहीं दिखेंगे। जैसे हम प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखा देते, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 2x, या कुछ भी ले लीजिए, 12x ले लीजिए। इसके आगे प्लस साइन होता है जो आपको नहीं दिखाई देता, मतलब वो इनविजुअल रहता है। और दूसरा साइन हर दो नंबर या वेरिएबल्स कुछ भी हो उनके बीच इनटू का साइन होता है। ये दो साइन आपको कभी नहीं दिखते, इन्हें याद रखिएगा। तो देखिए, हम इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आगे का साइन डिसाइड करता है कि वो ट्रांसफ़र कहाँ होगा। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, याद रखिएगा। यह हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इन्हें इक्वल के इस साइड लेके जा रहे हैं, तो रूल्स आपका ये लगेगा। देखिए प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, सिंपल। तो ये 2x को आप इधर ले आइए। तो पहले तो हम 3x लिख लें, उसके बाद जब हम 2x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे, 2x। अब देखिए, दोनों आपके वीवीआईपी एक ही रूम में हो गए, नहीं हो गए, हो गए। अब इधर जो आपके घर के मेंबर हैं वो इधर ही है, ठीक है। अब ये बताइए, आप यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सर प्लस और माइनस हमसे नहीं आता वेरिएबल्स में, हमेशा हम प्रॉब्लम्स क्रिएट होता। तो चलिए हम एक ऐसा फार्मूला आपको दे रहे हैं जो किसी बुक में भी आप नहीं पाएंगे, मैथ की किसी बुक में आज तक ये फार्मूला राइट ही नहीं है। याद रखिएगा, आप कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। ये फार्मूला आप एकदम अपने माइंड में रख लीजिए, ए एक्स टू द पावर एम प्लस बी एक्स टू द पावर एम इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, एक्स टू द पावर एम। ये फार्मूला किसी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो ये फार्मूला है क्या, इसका कहने का मीन्स क्या है, तो याद रखिएगा हम कुछ कहने वाले हैं यहाँ पे, एकदम कसम खा लीजिए जो आज हमारे मुख से निकलने वाला है, सर आज के बाद हम इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। वो है क्या,
जब तक आप सेम वेरिएबल्स नहीं पाएंगे आप ऐड मत करिएगा। सेम वेरिएबल्स मतलब अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से ही ऐड होगा, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब से ही ऐड होगा। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप मैथ के हिस्ट्री में ऐसा नहीं पाएंगे कि एक्स में एक्स स्क्वायर ऐड हो गया, कभी भी नहीं, नेवर, हो ही नहीं सकता। और इनके आगे टू भी रहता है, ये थ्री रहते हैं, तो वही जो टू और थ्री है हमने यहाँ ए और बी के फॉर्म पे कर दिया, वेयर ए एंड बी इंटीजर लिख लीजिए या रियल नंबर लिख लीजिए, एक ही बात है। मतलब यहाँ जो ए और बी आपको दिख रहे हैं वो एक नंबर है। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये किसके लिए है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मतलब प्लस भी हो सकता है पॉसिबल और माइनस भी हो सकता है। अगर माइनस है, हमने आपसे पहले ही बताया कि हम इस वीडियो में आपको फुल डिटेल वेरिएबल्स की बताएंगे। अभी तो सोचिए वन में ही इतना आपको मिल गए बी एक्स टू द पावर एन, तो उस कंडीशन पे आप ए माइनस बी करेंगे एक्स टू द पावर एन, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, हमने आपको क्या रूल्स बताया, पहले आप पावर देखिए, दोनों पावर क्या है, वन, और x आपको देखिए कितना सिंपल दिख रहा है, लेकिन होते क्या हैं x के इंडिसेस 1 होते हैं, कोफिशियंट 1 होते हैं, अपॉन 1 होते हैं, इतने सारे इनकी प्रॉपर्टी हैं जो हमें x इस तरह दिखते हैं। तो देखिए हमें यहाँ क्या चाहिए, m के प्लेस पे क्या है 1, यहाँ भी 1 है। अब भी हमने आपसे क्या बताया कि एक ब्रैकेट बनाइए और माइनस कर दीजिए, तो आप यहाँ पे 3 कर लीजिए माइनस 2 और x को आउटसाइड रखिए, सिंपल। बताइए कितना आसान है। अब 3 माइनस 2 तो 2 सेकेंड क्लास के बच्चे बता देंगे, 1x इक्वल टू 18, यानी हमें x की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 18। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, एंड चेक योर रिजल्ट, चेक कर लेते हैं भाई। चलिए चेकिंग, चेक कैसे करें, इसमें देखिए हमारे पास दो साइड हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए, क्या है 3x है कि नहीं, तो 3 इंटू हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की, 18 थ्री जा 54। चलिए राइट हैंड साइड भी देख लें, क्या है 2x प्लस 18। अब भी हमने थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि दो चीज़ों की हमेशा इंटू का साइन होता है, देखिए यहाँ भी इंटू का साइन हुआ, तो 2 इंटू 18 प्लस 18, 18 टू जा 36 प्लस 18, चलिए ऐड कर लीजिए 864 31415। क्या ये दोनों इक्वल हैं, हाँ बिल्कुल इक्वल हैं, तो मीन्स हमने यहाँ पे चेक भी कर दिया, क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, चलिए सेकंड नंबर में देखते हैं हमारे BVIP कहाँ पे हैं वो देखिए। इस बार हमें वेरिएबल मिला टी, अब ये नहीं कि टी का अलग रूल्स होगा, वो एक्स के ही जैसे समझिए, आपको प्रॉब्लम है तो एक्स लिख लीजिए, लास्ट में आप टी चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब आप एक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद एक्स जहाँ जहाँ वहाँ टी कर लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें, देखिए एक BVIP हमारे यहाँ बैठे हैं, एक BVIP हमारे यहाँ बैठे हैं, तो हम एक ही रूम पे कर लें, चलिए एक रूम में कर लेते हैं भाई, लेफ्ट ही साइड कर लेते हैं। ये 5T हमारे एक साहब बैठे हुए हैं और इन्हें आप इधर ले आइए, तो यहाँ पे कौन साइन है प्लस, तो हमारे इधर आ गए जो BVIP हैं वो इधर आ गए, और -3 बगल पे हैं। अब मान लीजिए -3 आपके फादर हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी एक पेरेंट से बात कर, मतलब आपके BVIP जैसे मान लीजिए आपके अंकल आ गए, मामा आ गए, मौसिया आ गए, जो भी हैं कज़न वो आ गए, उनसे बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए आपके फादर हैं, अब बात कर रहे हैं, यहाँ पे मम्मी भी बात कर रही हैं, ठीक है। अब आपके खाना तैयार हो गया, अब मम्मी बोले कि मम्मी हम इनको ये वाले रूम में ले जाते हैं जहाँ पापा बात कर रहे हैं, तो बोले ठीक है, तो आइए अंकल जी, आपने इन्हें बोले कि आइए अंकल जी इस रूम में चलते हैं। अब पापा भी बैठे हैं, अब आप पापा के लिए वहाँ पे क्या है कि ये दोनों बस तो गेस्ट को आप खिलाना चाहते हैं, तो पापा को मम्मी इशारे से बोलेंगी ना, सुनिए ना थोड़ा सा काम है, तो पापा को जैसे ही कान में पड़े कि हाँ हाँ बोलिए क्या है, तो आइए तो इधर, तो ये मम्मी आपकी बुला रही पापा को कि आइए तो इधर, तो आपके पापा तुरंत उठ के आएंगे ना इधर कि जाइए थोड़ा सा वो ले आइए ये वो कम है, तो ये मम्मी जो हैं वो आपके पापा को बुला रही हैं कि आ जाइए इधर, तो पापा जब इधर उठ के आएंगे आपके फादर, तो यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस, तो ये हो गया इधर आके प्लस, भाई बुला रही थी ये एक साइड हो गए, सिंपल। अब बचे यहाँ दो गेस्ट, क्लियर। तो मम्मी यहाँ बोल रही हैं कि
अब उनको खाना खिलाना है, आप वहाँ मत जाइएगा। सिंपल, अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका वेरिएबल है और वेरिएबल्स का प्रॉपर्टी तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया कि प्लस हो चाहे माइनस हो आप ये काम करेंगे, तो आप यहाँ पे भी ले लीजिए वैसे ही। टी को कॉर्नर कर दीजिए, 5 माइनस 3, और पापा मम्मी के डिस्कस यहाँ चल रहा है तो -5 + 3, तो -5 याद रखिएगा, ये तो मालूम है कि आप माइनस करेंगे सबट्रैक्ट, लेकिन याद रखिएगा आप हमारी बात सुनेंगे, आप लाइफ में कभी गलती नहीं कर सकते, आप सबट्रैक्ट बाद में किया करिए ना, पहले ये देखा करिए दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, बस इतना देखिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, 5, उसके आगे जो भी साइन है उसको पहले लिख दीजिए, उसके बाद आप सबट्रैक्ट करिए, फिर आप मनचाहा करिए 5 से 3 करिए चाहे 3 से 5 करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 5 - 3 = 2, सिंपल। अब यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी आपका सबट्रैक्ट होगा, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 5, 5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, जहाँ नहीं होता वहाँ क्या होता है, प्लस, तो ये साइन आपका यहाँ आ गया, 5 - 3 = 2, 2t = -2। अभी भी देखिए आपके गेस्ट के साथ 2 है, इन्हें भी हटाएंगे ना तभी ना आप टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें तो टी की वैल्यू चाहिए और किसी की वैल्यू नहीं चाहिए, उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमने आपसे क्या बताया था कि जब इनटू ट्रांसफ़र होता तो कहाँ जाता है, अपॉन के नीचे। अब सर यहाँ इनटू कहाँ है, तो अभी हमने आपसे क्या बताया कि हर 2 वेरिएबल्स या नंबर उनके बीच इनटू का साइन होता है, तो आप 2 को ट्रांसफ़र करिए। बहुत से स्टूडेंट क्या होता है, ये प्लस को देख के इधर -2 लिख देते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ माइनस भी होता तो भी वो नीचे आएगा, क्योंकि डिसाइड ट्रांसफ़र हमेशा वेरिएबल करता है ना कि नंबर करते हैं, ये बात हमेशा रखिए। बहुत से बच्चे यहाँ पे देखते हैं -2t रहता है, और मान लीजिए = इधर -2, तो t = ये -2 को उधर लेके +2 कर देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं होता कभी मैथ में, हमेशा ट्रांसफ़र वेरिएबल डिसाइड करते हैं ना कि नंबर, ठीक है। तो ये 2 कहाँ जाएगा आपका, डाउन साइड, तो प्लस है तो 2 से 2 कैंसिल, सो टी की वैल्यू आपकी आ गई -1। चलिए चेक करते हैं कि हम राइट है या रॉन्ग, सो लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका चेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5t - 3, 5 × t के प्लेस पे -1 - 3, 5 × 1 = 5, -5, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा इनटू भी होता है साइन का भी होता है, तो प्लस माइनस माइनस -3, और माइनस माइनस क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, भाई माइनस माइनस इज मतलब माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, ओनली एड नंबर्स नॉट साइन। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस 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 क्या बोल देते हैं, प्लस होता है, अरे नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, माइनस माइनस इज नंबर नंबर साइन प्लस नंबर बट वी टेक माइनस साइन, तो माइनस 5 और 3 क्या हो जाएगा आपका, 8, और ये आपका साइन माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो इधर से आया आपका -1। चलिए राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड में 3t - 5, सो 3 × t प्लेस पे -1 - 5, सो 3 × 1 = 3, -3 - 5 सेम हो गया आपका, -8 हो गया, दोनों इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। चलिए थर्ड नंबर स्टार्ट करें, हमारे BBIP कहाँ है, ये हैं और ये हैं, दोनों को एक रूम में ले आए, 5x, यहाँ पे आगे प्लस साइन है, इधर आके -3x = 5 इधर है। देखिए जिधर जो होता है उसे पहले लिखा करिए, ट्रांसफ़र हमेशा बाद में लिखा करिए, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ट्रांसफ़र को पहले लिख देते हैं, गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, बट या वो एक बेस्ट मेथड होगा, हमेशा जो पहले होगा उसे ही लिखें। देखिए जैसे हमने 5 पहले लिख लिया, जो राइट साइड में पहले उसे लिखिए, उसके बाद जो ट्रांसफ़र होता है उसे बाद में लिखिए, तो आप +9 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -9, हमने एक ही बार में सब ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 5 - 3 एक ब्रैकेट में कर लीजिए, x सिंगल कर दीजिए, वही रूल्स, 5 - 9 हमने अभी आपको बताया कि हमेशा सब्ट्रैक्ट करने से पहले बिगेस्ट नंबर देखिए, ये आपका लार्जेस्ट नंबर है, उसके आगे माइनस साइन है, 9 - 5 - 4, 5 - 3 = 2x। अब 2 को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे इनटू का साइन है, तो वो आ गया डिवाइड पे, 2 × 2 = 4, सो एक्स की वैल्यू -2, सिंपल। चलिए चेक करें,
checking. Left hand side 5x plus 9. So 5x के place पे minus 2 plus 9. 5 2 जा 10. Minus 10 और plus 9. फिर से subtract करना है. तो देखिए गौर से दोनों में ग्रेट लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 10. तो 10 क्या है कौन सा है ना माइनस. तो माइनस कर दीजिए. अब आप माइनस करिए 10 माइनस 9 सर 1. राइट हैंड साइड. चलिए यहाँ पे देखते हैं 5 प्लस 3x. तो 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लेस पे माइनस 2. सो यहाँ पे देखिए 5 और प्लस माइनस है इंटू करना है तो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6. दोनों में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 6. तो 6 के पास कौन सा साइन है माइनस. तो माइनस पहले लिख लीजिए. अब 6 माइनस 5 1. सो हो गए आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ फोर्थ नंबर. अब यहाँ पे भी वीआईपी हमारे जेड हैं. वन साइड कर लें 4z. 2z को इधर ले आए तो यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस. तो इधर आ गया माइनस 2z इक्वल टू इधर एडवांस 6 है. 3 को भी ट्रांसफ़र कर लीजिए तो इधर माइनस 3. अब आपको गेस्ट के अकॉर्डिंग समझ में आ गई होगी बात या फिर आपको पेरेंट्स वाला क्लियर रहे तो भाई वही समझ लीजिए मम्मी है ये आपके पापा हैं. ठीक है इसके बाद आप 4 माइनस 2 कर लीजिए ब्रैकेट में और जेड 6 माइनस 3 आपका 3. क्यों क्योंकि यहाँ पे प्लस है और लार्जेस्ट नंबर आपका 6. सो 4 माइनस 2 2 2 जेड इक्वल टू 3. जेड इक्वल टू 3/2. चलिए इस बार जेड की वैल्यू क्या आ गई 3/2. चलिए चेक करें. बहुत से स्टूडेंट्स अपॉन से डिस्टर्ब रहते हैं जबकि अपॉन और ज़्यादा इजी होता है. फर्स्ट है 4z+3. अब इनके बीच इंटू का साइन होता है जेड 3/2. हमने आपसे पहले ही बताया कि आपको हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर्टी मिलेगी. याद रखिएगा ये एक ही ऐसा साइन है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमेटर कैंसिल होते हैं. एक ही साइन होता है इसके अलावा कोई साइन नहीं होता. बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं 2/3 और प्लस 5/6 तो ये 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं. ये रॉन्ग है. ये कभी कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इनके बीच प्लस का साइन हो प्लस हो या माइनस इन दोनों में कभी भी कैंसिल नहीं होता. कैंसिल सिर्फ इसी बस में होता है ये बात याद रखिएगा. ठीक है प्लस 3 तो 2 से 8 2 2 जा 4. अब यहाँ पे इंटू का साइन है 2 3 जा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9. सिंपल. चलिए राइट हैंड साइड पे आते हैं. राइट हैंड साइड पे 6 प्लस 2 जेड और जेड की वैल्यू क्या है 3/2. 2 से 2 कैंसिल. अब यहाँ तो सिर्फ 6 प्लस 3 ही बचा इक्वल टू 9. सो दोनों इक्वल हैं. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ फिफ्थ नंबर. चलिए स्टार्ट करें. हमारे बी वी आई पी कहाँ पर हैं 2x ये हैं और 1x ये हैं. तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें 2x और ये x को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो यहाँ पे कौन साइन है माइनस. तो इधर आएंगे तो प्लस. सिंपल. अब यहाँ देखिए 14 है. माइनस 1 को भी बुला लीजिए जो उनसे टॉकिंग कर रहे हैं तो माइनस 1 इधर आएंगे तो प्लस 1 हो जाएंगे. सिंपल. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए. हमने आपसे पहले बताया था कि x की प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती. x अगर सिंपल दिखता है तो उसका कोफिशियंट आपका 1 है. अब x कॉमन ले लीजिए तो आपका ब्रैकेट में आ गया 2 प्लस 1. 14 प्लस 1 15. 2 प्लस 1 3x इक्वल टू 15. सो x इक्वल टू 15/3. 3 5 जा 15. सो x की वैल्यू 5. सिंपल. चलिए चेक करें. अब चलिए चेक करते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड 2x-1. सो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 5-1. अगर हम इसे गौर से देखें 2 5 जा 10. 10-1 इज इक्वल टू 10-1 9. ये आपका फर्स्ट आंसर. चलिए राइट हैंड साइड पे आते हैं. 14-x. सो 14-x के प्लेस पे 5. सो 14-9 और यहाँ पे प्लस का साइन है. लार्जेस्ट आपका प्लस है तो प्लस. यहाँ भी देखिए लार्जेस्ट आपका प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया. तो आप प्लस राइट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है कि 9 ही आप लिखें. प्लस 9 लिखिए और बेस्ट होगा. तो ये आपका प्लस 9 ही है. 9 5 14.
So left hand side is equal to right hand side. Now question number 6. हमारे BVIP कहाँ है, सर्च करिए. एक ये बैठे हैं. यारे यहाँ पे तो बात हो रही है लेकिन एक गार्ड लगे हैं, गार्ड कि हम अंदर नहीं आने देंगे. अरे बहुत बड़ी मुसीबत है. और यहाँ पे कौन सा साइन है, इनटू का साइन है. तो हम इन्हें क्या बोलेंगे भाई, ये मीटिंग कर रहे हैं अंदर और इन्हें गेस्ट को खाना भी खिलाना है. अभी हमारे घर में मीटिंग कर रहे हैं और बाहर किसी को खड़े कर दिए भाई आप अंदर नहीं आने देना. तो हम यहाँ पे गए और बोले भाई खाना खिलाना है, बोलिए उनकी मीटिंग बाद में कर लेंगे, आप आए तो सही. तो ये क्या करेंगे, अंदर जाएंगे ना बोलने. तो कहाँ जाएंगे, इन दोनों के पास जाएंगे कि भाई चलिए खाना खा लीजिए. तो पहले तो अभी हम कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड तो कुछ नहीं करेंगे, पहले इनके इनका सॉर्ट आउट कर लेना इनकी प्रॉब्लम, तभी ना इनको यहाँ पे बुलाएंगे इस साइड. पहले तो अंदर बोल रहे हैं कि जाइए भाई बता दीजिए. तो ये 3 क्या किया, अंदर गया और इन दोनों को बता रहा है, यानी यहाँ पे इनटू का साइन है. तो अंदर जाके ये एक्स से पहले बात किए, किससे बात किए, एक्स से. तो पास में जाके बात किए. फिर किसके पास गए, 3 1 के पास. तो 3 और 1 3 किसके पास गए, 1 के पास. और 7 तो दूसरी जगह है, वो तो दूसरे पास है, दूसरे रूम में है. ठीक है, ये तो घर के गेस्ट हैं. मान लो यहाँ पे पबजी कोई खेल रहा है आपके घर में, ये मान लीजिए पबजी मास्टर है. ठीक, आगे बढ़ें. 8x + 4. तब तक हम अपने वर्क को नहीं करेंगे जब तक ये क्लियर ना हो जाए. तो अब क्लियर हो गए, बात कर लिए, ये रेडी हो गए. जो BVIP आए थे, जो मीटिंग ले रहे थे, तो बोले हाँ ठीक है चलिए चलते हैं. और यहाँ पे हो गया 3 1 3. जो जिनके साथ बात कर रहे हैं तो वो कोई BVIP नहीं है, घर के ही मेंबर से बात कर रहे थे. कैसे, मान लीजिए किसी मैरिज की बात है या कुछ हो गया घर में, उनके बारे में बात कर रहे थे. और ये पबजी, अब इन्हें हम एक रूम में ले आते हैं. अब स्टार्ट हुआ हमारा प्रोसेस जो हम फर्स्ट से करते आ रहे हैं. सो 8x आ जाइए BVIP आप इधर, प्लस ये आ गए आपके इधर. अब यहाँ पे देखते हैं ये पबजी. मान लीजिए आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, जाके 2 तमाचा दे दिए. लाइक पढ़ता लिखता नहीं है, पबजी खेलता है. तो इन दोनों के बीच कनेक्शन हुआ ना, यानी प्लस माइनस है. तो भाई श्योर है माइनस होंगे, तो दोनों में लार्जेस्ट नंबर है ये. तो इनको ज़्यादा पड़ी तो प्लस साइन आएगा. 7 - 3 = 4. और ये 4 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो ये भी तो इधर आएंगे ना, तो -4. सिंपल. अब यहाँ पे एक्स कॉमन ले लीजिए, 8 - 3. अब 4 - 4 = 0. रूल्स नहीं बदले गए, नहीं कि 0 आ गया तो हम सॉफ्ट हो जाएं. अब क्या करना है, 8 - 3 = 5x = 0. भाई 5 कहाँ जाएगा, 0/5. तो 0/5 मीन्स 0. याद रखिएगा यहाँ पे हम एक लॉजिकली बात कर रहे हैं. अगर 0 ऊपर है और नीचे वेरिएबल हो या फिर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी. लेकिन अगर वही वेरिएबल हो ऊपर और नीचे, ऊपर नंबर हो या वेरिएबल या फिर नंबर और नीचे आपका डिनोमेटर 0 हो, तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है. ये दोनों बातें याद रखिएगा. चलिए चेक कर लें. चेक, ये तो और आसान होगा क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई. 8x + 4. सो 8 × 0, x की वैल्यू 0 है. तो 8 में 0 को इंटू करेंगे 0, तो ये 4 आ गया. 4 ही बस बची है ना. आते हैं राइट हैंड साइड पे, 3x - 1 + 7. सो 3 0 - 1 + 7. सो 0 - 1 - 1, अब इंटू होगा ना, तो 3 × यहाँ पे इंटू का साइन है, -1 + 7. 3 1 = 3 - 3 + 7. अब लार्जेस्ट नंबर 7 है तो प्लस तो आएगा. 7 - 3 = 4. दोनों इक्वल हैं, हाँ इक्वल हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. चलिए नाउ 7 नंबर. अब यहाँ पे देखिए फिर से मीटिंग हो रही है. एक BVIP अकेले बैठे हैं और अंदर यहाँ मीटिंग हो रही है. और इनके गार्ड कौन है, बाहर 4/5. तो ये 4/5 को अंदर भेजते हैं. तो एक बात याद रखिएगा, फिर से वही प्रॉपर्टी याद रखिएगा, कभी भी अपॉन हो, कभी भी, ठीक है. और बिटवीन इनटू का साइन है. तो इनटू कैसे होते हैं, इसी में आपका कैंसिल भी होता है. ऊपर से नीचे आप कैंसिल बिल्कुल कर सकते हैं. अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो एकदम फ्रंट टू फ्रंट इनटू होता है. फ्रंट टू फ्रंट, एकदम सामने सामने इनटू होता है, याद रखिएगा.
यानी P में R का इनटू होगा और Q में S का इनटू होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए इनटू का साइन है, तो ये 4 इस पूरे अंदर इनटू हो जाएगा और ये 5 कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो अपॉन 1 लिख लीजिए, अपॉन 1 सिंपल, अपॉन 1 हमने कर लिया, 5 का 1 में इनटू कर दीजिए। चलिए 4 का अंदर इनटू कर लें, तो और याद रखिएगा नंबर और वेरिएबल का कभी भी इनटू होता है तो ये दोनों आके पास में चिपक जाएंगे। अगर एक्स और वाई का इनटू आप करते हैं तो भी ये पास में आके चिपक जाएंगे, एकदम पास सट जाएंगे। ये सिर्फ इनटू किस में होते हैं, अपने ही कास्ट में, कास्ट जैसे हमारी कास्ट होती है वैसे हमारी ही, हमारी लाइफ की जैसे इनकी लाइफ होती है, ठीक है। इसमें हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, बेस्ट वीडियो, ठीक है, जिससे आपको वेरिएबल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 4 में एक्स का तो दोनों पास आ गए, लेकिन देखिए ये एक ही कास्ट के हैं ना, नंबर ही कास्ट के हैं, तो 4 × 10 = 40 भाई इनटू हो गया अंदर अपॉन 5। और जस्ट हमने सबसे पहले बताया था ट्रांसफ़र के लिए कि प्लस ट्रांसफ़र होता है तो माइनस होता है, माइनस ट्रांसफ़र होता है तो प्लस होता है, इनटू ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइड के नीचे, और अगर डिवाइड के नीचे कोई है तो कहाँ चल देता है, इनटू में। तो देखिए डिवाइड के नीचे दिख रहा है कुछ, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए ना, इनटू कर दीजिए, किस में, एक्स में। तो एक्स में जैसे इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी दोनों पास में सट जाएंगे और ये हमें मिल गया 4x + 40। अब ये हमारा पुराने जैसे क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल, ये हमारे गेस्ट हैं, चलिए भाई एक ही रूम में आ गए, ये रूम में, और इधर हैं 40। अब 5x - 4x आपका 1 हो जाएगा, भाई ब्रैकेट करेंगे 5 - 4 तो 1 ही होगा ना, तो 1x = 40, यानी x = 40। चलिए चेक कर लें, चेक लेफ्ट हैंड साइड में तो साफ x है, तो x की वैल्यू तो 40 है, मीन्स 40। चलिए लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड, 4/5 ब्रैकेट x के प्लेस पे 40 करना है ना, 40 + 10, क्यों इन दोनों का ऐड कर लें। बॉड मास हर जगह लगता है, याद रखिएगा बॉड मास आप नहीं छोड़ सकते, उससे पीछा तो छूट नहीं सकता, पहले ब्रैकेट क्लोज करिए उसके बाद अपने रूल्स पे। यहाँ पे कौन सा है, इनटू 40 + 10 = 50, ऐसा आप नहीं कट कर सकते, 5 8 जा कर दीजिए, रॉन्ग हो जाएगा, 5 10 = 40, 10 4 = 40, दोनों इक्वल हैं, हाँ इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ पे हमारे गेस्ट कहाँ पे हैं, ये हैं, और सेकंड गेस्ट ये हैं, इनको एक रूम मिले हैं, आ जाइए, ठीक है। तो ये हमारे हैं 2x / 3 फर्स्ट गेस्ट, और सेकंड 7x + 15, इनके आगे कौन सा है, प्लस, आ जाइए आप इधर, -7x / 15, अब इधर तो 3 है ना लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, और ये प्लस 1 को भी इधर ले आइए, -1, भाई प्लस 1 इधर आएंगे तो -1। चलिए अब फिर से वही रूल्स, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा आज। तो एक बात याद रखिए, कभी भी आप अपॉन पाते हैं, कभी जैसे हमने इनटू के बारे में भी बताया, अपॉन में आप कभी भी अपॉन कहीं पे भी पाते हैं, यानी किसी चैप्टर कहीं पे भी मैथ में पढ़ते हैं, इनके बीच, ये मान लीजिए अपॉन है, इनके बीच प्लस या माइनस साइन मिले, प्लस या माइनस साइन मिले, तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम करके ही इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या करके, एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर ऑफ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, हम सोच रहे हैं, ठीक है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कैसे, तो 3 और 15 का आप एलसीएम फाइंड करिए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 और 15, तो 3 1 = 3 5 + 5 = 15, तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 15। अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। इसके बाद आप क्या करिए, ये जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है इसको आप टेक करिए और इसमें आके आप डिवाइड करिए, एकदम आपको 1 by 1 स्टेप बता रहे हैं। देखिए 3 को 15 में डिवाइड करिए, तो 3 को 15 में आप डिवाइड करेंगे, कितने टर्म्स जाएगा, 5 टर्म्स, कितना, 5। वो जो 5 आपको मिला क्वेश्चन, वो 5 को लेके आप न्यूमरेटर में इनटू कर दीजिए, है ना आसान। देखिए 3 से 15 को हमने डिवाइड किया तो 5 बचा, और 5 का हम ऊपर इनटू कर रहे हैं, तो 5 2 = 10x, और हमने इनटू पहले बताया कि अपने कॉस्ट पे ही इनटू होते हैं, कॉस्ट मतलब नंबर का नंबर में, वेरिएबल का वेरिएबल में। चलिए इधर का हो गया, अब सेम प्रोसेस इधर करिए, यानी कि कंप्लीट हुआ, आप इधर आइए,
फिर से डिवाइड करिए। अब ये बताइए 15 में 15 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, 1 ही आएगा ना, 15 वन जा, और 1 का किसी के साथ भी आप इंटू करिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। 100 में आप 1 का करिए तो 100 ही आएगा ना, 1 करोड़ का 1 में करेंगे 1 ही आएगा। चलिए क्लियर हो गया, 3 - 1 2, क्लियर। अब ये बताइए ये एक्स है, ये भी एक्स है, अगर हम ये 15 को क्लोज कर दें, थोड़ी देर के लिए समझते हैं नहीं है, तो हमारा रूल्स वही रहेगा ना पुराना वाला। एक्स कॉमन ले लीजिए, 10 - 7, सिंपल। 15 डाउन साइडर रहने दीजिए, हमें थोड़ी कुछ कट कर रहा है या हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पड़े रहने दो बेचारे को, बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, मान लो आपका छोटा भाई है। 10 - 7 3x। अब ये 15 भाई इनको भी भगाना है ना, यहाँ से हटाना है, जाओ ट्रांसफ़र हो, तो डिवाइड में है, तो डिवाइड कहाँ जाता है, इनटू में, तो 2 के पास चला गया ये 15। अब एक्स 3 भी ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये क्यों, इनटू में है, तो इनटू कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 2 × 15/3। आप चाहें तो इसे कट कर सकते थे, ये इनटू कर सकते थे, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, सो एक्स की वैल्यू 10, ये हमारा फाइंड हुआ। अब बात करते हैं चेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 2x है, x x से प्लेस पे क्या रख दें, 10 / 3 + 1, तो 10 × 2 = 20 / 3 + 1। अब भी जस्ट हमने आपको बताया कि अपॉन कहीं पे भी मिले आप क्या करेंगे, ये एलसीएम, तो 3 और 1 का एलसीएम तो 3 ही आएगा। अब 3 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1, 1 का 20 में इंटू करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो कर लीजिए, हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स, और 3 का इंटू आप कर लीजिए न्यूमरेटर पे, 3 × 1 = 3, तो रिजल्ट क्या मिला, 20 + 3 = 23/3, ये हमारा फर्स्ट आंसर। चलिए राइट हैंड साइड पे देखें, अरे राइट, 7x / 15, तो 7x के प्लेस पे 10 है, 15 + 3, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो बिल्कुल कट कर सकते हैं, तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, तो 7 × 2 = 14 हो गया, और अपॉन 1, इन दोनों कैल्शियम जैसे 3 और 1 कैल्शियम 3 आया वैसे यहाँ भी आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, और ऊपर इनटू करेंगे 7 × 2 = 14 में, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 × 3 = 9, 14 × 9 = 23/3, क्या ये दोनों इक्वल हैं, हाँ श्योर इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक ये इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है, कैसे, देखिए हमारे गेस्ट यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ पे हैं, दोनों को एक रूम में ले आए, बाकी को छोड़ दीजिए, हमें गेस्ट से ही मतलब होता है, माइनस तो इधर आए तो आपका प्लस, देखिए आसान हो गया ना, इसलिए सबसे ईजी है। अब इधर आप सोच रहे हैं 26/3, हमने आपसे पहले बताया जो जिसका साइड का है उसे पहले लिखें, जो ट्रांसफ़र है उसे बाद में लिखें, ये प्लस, जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो -5/3। अब यहाँ पे तो 1 होता है, हमने आपको लास्ट फर्स्ट से ही आपको बताया है कि यहाँ 1 होता है, चलिए वाई आप कॉमन ले लीजिए और 2 + 1 ऐड कर लीजिए। अब ये तो आप फोर्थ क्लास के बच्चे ही पढ़ते हैं, अपॉन अपॉन जब सेम होता है तो उसे वहीं लिख दीजिए और ऊपर को सेम उतार दीजिए, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में, राइट, या तो फिर ये नहीं कि कोई अलग रूल्स है, ये रूल्स वही फॉलो करते हैं, लेकिन ये तब करने की ज़रूरत होती है जब हमारे डिनोमिनेटर थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर हमारा सेम है, और आप एलसीएम करना चाहते हो तो कर सकते हैं, 3 का 3 होगा, 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 का 26 में करेंगे 26 होगा, ये नहीं कि रूल्स बदल गए, रूल्स वही हैं, 2 + 1 = 3y, 26 - 5 = 21/3, तो 3 से ही कैंसिल कर लेते हैं, 3 × 7 = 21, सो y इक्वल टू 7, और 3 को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो अपॉन, चलिए y के प्लेस में 7/3 आया, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2y, तो y के प्लेस पे क्या रखना है, 7/3 + 5/3, सिंपल, 7 × 2 = 14/3 + 5/3, वही आ गया आपका फिफ्थ क्लास का एलसीएम, सेम है तो सेम ही आप कर दीजिए, 14
5, 19 upon 3, this is the first answer. And second, RHS 26 upon 3 minus y के प्लेस पे 7 upon 3, यहाँ भी आपका बेसिक है सेम 3 26 minus 7, ये भी आपका 19 7 26 ही होता है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका कंप्लीट हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. अब 10 में भी हम आपको एक ट्रिक देंगे जो आप याद रखिएगा. देखिए अब आपको इतना समझ में आ गया कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन उसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सॉल्व करें उसमें ये देखिए कौन सा वेरिएबल सबसे हाईएस्ट है, मतलब किसका कोएफिशिएंट बड़ा है, क्योंकि उसमें आपको प्लस पॉइंट मिलेगा. मतलब आप साइन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगे. कैसे देखें, हम आपको सॉल्व करके एक लेफ्ट में दिखा रहे हैं, ठीक है, रफ वर्क. हमने रूल्स आपको क्या बताया था कि ये VIP को एक साइड कर लीजिए. अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए हमने एक साइड कर लिया, 5 हम इधर लिया, माइनस हुआ. अब इससे आप कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 5 आएगा. चलिए हो गया, यही रूल से करते हैं, कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं. चलिए 3m, 5m इधर लेके आएंगे, 5 माइनस 5m, ये दोनों VVIP एक रूम में आ गए जैसे हमने किया. हम सोच रहे थे आपको एक ऐसा रूल्स बताएं जिससे आपको ज़्यादा इजी पड़े, मतलब आप साइन से ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ साइन आएगा ही आएगा. और खैर कोई बात नहीं, हमारा रूल्स आपके पास है. हमने आपसे क्या बताया कि कभी भी सब्ट्रैक्ट करिए, लार्जेस्ट नंबर देखिए. अगर ये बात आप याद रखते हैं तो अभी हम जो आपको इजी मेथड दे रहे थे वो उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. अगर आप लार्जेस्ट देख रहे हैं तो साइन तो आप लगा ही लेंगे, हम सिर्फ इससे बचने के लिए आपको बोल रहे थे. तो देखिए 3 माइनस 5, लार्जेस्ट नंबर 5 है तो माइनस आएगा, और 5 माइनस 3 2 है, इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5. सो माइनस 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये कहाँ जाएगा आपका, डाउन साइड, 5 इंटू माइनस 2. सो इंटू में है, ये माइनस माइनस कैंसिल. हमने आपसे पहले ही बताया था इंटू हो तो आप बेचक कट कर सकते हैं ऊपर से नीचे, 2 4 जा 8. सो m इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. चलिए चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट क्या है 3m, और बीच में क्या है इंटू का साइन, m के प्लेस पे क्या है 4 अपॉन 5, 4 3 जा 12. हमने आपसे बताया था इंटू हमेशा फ्रंट टू फ्रंट होता है, फ्रंट टू फ्रंट, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5. राइट हैंड साइड 5m माइनस 8 अपॉन 5, सो 5 इंटू m के प्लेस पे 4 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 5, 5 से 5 कट कर लीजिए, सिंपल. लेकिन आप इधर कट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में इंटू का माइनस का साइन है. अब यहाँ पे क्या रिमाइंड होगा, 4 अपॉन 1 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. अब यहाँ पे आप LCM में आ जाइए, रूल्स तो चेंज नहीं होगा, 5 1 का LCM 5 ही होगा. अब 1 का आप डिवाइड करिए 5 में तो 5 आएगा, 5 का 4 में इंटू करिए, 5 4 जा 20, 5 का 5 में डिवाइड करिए 1, और 1 का इंटू कर दीजिए 8 में, तो 20 माइनस 8 आपका आ गया 12, 12 अपॉन 5. क्या ये दोनों सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है. सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड. प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हम अगर किसी प्रकार का भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, सर नहीं समझ में आया ये प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट करिएगा, हम उसे सॉर्ट आउट कर देंगे और एक नए तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.